जय श्री कृष्णा, मैं हूं निगम। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम श्री ठाकुर जी के लिए अंसकड़ी की सामग्री सिद्ध करेंगे। श्रीमद आचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी के प्राकट्य उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई। अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में श्री महाप्रभु जी के उत्सव के दिन श्री प्रभु को राजभोग में चार प्रकार की खीर आवे, चोखा की खीर, सेव की खीर, मनका की खीर और संजाब की खीर। तो आज हम श्रीमद आचार्य चरण के उत्सव पे सेव की खीर सिद्ध करेंगे। सेव की खीर सिद्ध करने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप गेहूं की पाटिया की सेव, जो घर पर कैसे सिद्ध करते हैं उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 250 ml दूध लिया है, 3 चम्मच खांड यानी कि शक्कर ली है, 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, थोड़े से बादाम के स्लाइसेस लिए हैं और थोड़ा इलायची पाउडर लिया है। तो शुरुआत करते हैं। पहले गेहूं की सेव को हाथ से तोड़कर उसके छोटे टुक कर लेवे, ताकि उसको घी में आसानी से भुना जा सके। अब गैस पे एक कढ़ाई रखे और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी पधरावे। घी गरम हो जाए उसके बाद उसमें सेव के टुक पधरावे। लो फ्लेम पे ही हमें ये सामग्री सिद्ध करनी है। तो सेव को घी में अच्छे से भुनना है। 2 से 3 मिनट तक ऐसे चम्मच से चलाते रहे, जब तक सेव का रंग हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें उसे भुनना है। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, अब हम उसमें 250 ml दूध पधरावे, यानी कि 1/2 लीटर दूध लिया है, और अच्छे से मिक्स करें। हमने गेहूं की सेव लिए है तो उसको पकने में 8 से 10 मिनट का समय लगेगा, इसलिए 2 से 3 उबाल आए तब तक हमें उसको उबालना है। तो ऐसे चम्मच से चलाते रहे ताकि गेहूं की सेव नीचे ना बैठ जाए। श्री महाप्रभु जी के उसके उत्सव के दिन 4 प्रकार की खीर आवे, एक तो ये सेव की खीर, दूसरी चावल की खीर, तीसरी मनका की खीर, यानी कि मैदा में घी का मोयन करके उसकी मटर जैसी गोली बना के धूप में सुखाया जाता है और बाद में उसको घी में भूनकर उसमें दूध पधरा कर फिर खीर सिद्ध की जाती है। चौथी आवे संजाब की खीर, यानी कि गेहूँ के रवा की खीर। तो ये 4 प्रकार की खीर आज के उत्सव के दिन प्रभु को धराई जाती है। तो दूध में उबाल आ गया है, खीर थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है, तो ऐसे चम्मच से चलाते रहना है। अब खीर में दूसरा उबाल भी आ गया है, तो ऐसे अच्छे से मिक्स करें। अब तीसरा उबाल भी आ गया है तो अब हम उसमें खांड यानी कि शक्कर पधराएंगे। तो अभी हमने 3 चम्मच शक्कर पधराई है। आप चाहो तो खांड की जगह बूरा भी पधरा सकते हो, और खांड अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक चलाते रहना है। तो 2 से 3 मिनट में खांड अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। एक उबाल आ गया है, अब थोड़ी देर और चलाएंगे। खीर अच्छी सी गाढ़ी हो गई है। अब दूसरा उबाल भी आ गया है तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और खीर को ठंडी होने देंगे। सेव की खीर अब ठंडी हो गई है, उसमें 1/2 चम्मच जितना इलायची पाउडर पधरावे और थोड़े से बादाम के स्लाइसेस पधरावे।
ये दोनों को अच्छे से मिला ले। तो खीर तैयार है, उसको एक कटोरी में साजे और ऊपर थोड़े बादाम के स्लाइसेस पधरावे। और श्री प्रभु को भोग धरे। तो तैयार है सेव की खीर की सामग्री। आज हमने सेव की खीर की सामग्री सिद्ध की। तो ऐसे ही आगे भी मैं मेरे चैनल पे अलग अलग सामग्री के रीत के वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। सभी वैष्णवों को श्रीमद् आचार्य चरण के प्रागट्य उत्सव की खूब खूब मंगल बधाई।